हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर एंड यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ये गाइडलाइंस है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं. एंड सम ऑफ दीज पॉइंट्स ऑफ एसओपीज व्हिच हैव बीन इश्यूड बाय इंडियन गवर्नमेंट हैव बीन मिस्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स हु आर विलिंग टू टेक द एग्जाम्स. सो दोज पॉइंट्स आर द राइट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड आई विल शो यू दैट दिस एसओपी, लेटेस्ट एसओपी मेंशंस that these requirements are minimum level of requirement, minimum. And additional requirement is likha hua, additional requirement may be put in place by the institutes who are willing to take the exam. But these are minimum requirements and shall be compulsorily followed. And some of these minimum requirement points are missing. So there is a wrong notion going around that all the students are not willing to give the exam. They are just making it as an excuse. It's a wrong notion, completely false notion. स्टूडेंट्स एग्जाम्स के खिलाफ नहीं है. प्रोसेस ऑफ एग्जाम्स जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे और ये मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो, सेफ्टी फर्स्ट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ्टी फर्स्ट. सो व्हाट स्टूडेंट्स आर आस्किंग, मैं इसको क्लियरली यहां पर पुट कर रहा हूं बिकॉज मैंने ग्राउंड लेवल पर काफी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मैं बिना किसी को क्रिटिसाइज किए, बिना कुछ नेगेटिव बात किए, मैं कुछ एकदम स्पष्ट अपने राइट्स का बात करने वाला हूं. स्टूडेंट्स का जो राइट्स है और गवर्नमेंट ने भी इसको मैंडेटरी कर रखा है, दिस मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स. हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट एमसीए के अंडर में आते हैं बट एमसीए ने कोई ऐसा गाइडलाइंस इशू नहीं किया है. सो टू टेक अ रेफरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ये जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसी को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रेफरेंस पॉइंट ले रखा है. अब वो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस वीडियो में आपको पूरा पता लग जाएगा, देखिए. और जो मिस डाउट हो रखा है, मैं वो सारे पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं जो सारे इंस्टीट्यूट बोल रहे देंगे, मैं वो सब पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं जो मिस डाउट हो रखा है और ये राइट्स है, ये मिलना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि जरूर मिलेगा. एग्जामिनेशन सेंटर अगर कंटेनमेंट जोन में आ जाए, एग्जामिनेशन सेंटर इट शुड बी आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, बट इफ इट कम्स अंडर द कंटेनमेंट जोन तब क्या होगा, या फिर एग्जामिनीज खुद ही कंटेनमेंट जोन से है तब क्या होगा, या तो जो सेंटर है पहले कंटेनमेंट जोन के बाहर था बट सडनली वो कंटेनमेंट जोन उसको अथॉरिटीज ने मार्क कर दिया, या फिर जो एग्जामिनी था वो कंटेनमेंट जोन से हो गया. तो यहां लिखा हुआ है सच एग्जामिनीज शैल मतलब समझ में आता है, कंपल्सरी मैंडेटरीली बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक द एग्जामिनेशन थ्रू अदर मींस, मतलब ऑनलाइन मींस वगैरह, चलो वो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट का रेडी ही नहीं है, लेकिन अदर मींस और यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल अरेंज, शैल अगेन शैल मैंडेटरली अरेंज फॉर टेकिंग एग्जाम एट अ लेटर डेट फॉर द स्टूडेंट्स. मैंने अगर एग्जाम फॉर्म भरा है और बाय चांस मेरा एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाता है या सेंटर कंटेनमेंट जोन में आ जाता है, इसमें मेरा तो कोई गलती है नहीं, तो मेरा एग्जाम आप लोगों को मैंडेटरीली लेना पड़ेगा, या तो अदर मींस से या फिर लेटर डेट पर. ये पॉइंट जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मिस आउट कर लिया है, काइंडली इसको जो है इनकॉर्पोरेट करिए एसओपीज में, इनकॉर्पोरेट करिए इसको एसओपीज में. मतलब स्टूडेंट अगर एग्जाम्स देना चाह रहा है और आप भी लेना चाह रहे हैं तो फिर से उसको मौका मिलना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है. लेटर डेट मतलब लेटर टर्म नहीं हुआ यहां पर कि चलो तुम जून 21 में आ जाना, ना आप जनवरी फरवरी दिसंबर कभी भी जब वो फिजिकली फिट डिक्लेयर हो जाए उसका एग्जाम्स, या वो कंटेनमेंट जोन से हट जाए उसका एग्जाम्स लेना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट जो मिस आउट हो रखा है, एग्जामिनेशन सेंटर शुड हैव अ डेजिग्नेटेड आइसोलेशन रूम. अगेन इट इज मैंडेटरी. आइसोलेशन रूम में क्या होगा, जो सिम्टोमेटिक स्टूडेंट्स रहेंगे, मान लो मैंने एग्जाम देने गया मेरे को सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी आ रहा है, ऐसे एग्जाम से पारा तो ऐसे ही हाई रहता है, पसीना छूटते रहता है. अब उसमें टेम्परेचर अगर मैं से फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर बस यात्रा करके हूं, मेरा टेम्परेचर हाई है तो वो तो टेम्परेचर हाई दिखाएगा, सिम्टोमेटिक में घोषित कर दिया रहूंगा तो क्या मैं वापस चला जाऊं, नहीं, मेरे को आइसोलेशन रूम में एग्जाम्स देने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. फॉर आइसोलेटिंग एनी पर्सन हु इज फाउंड सिम्टोमेटिक एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टिल सच टाइम मेडिकल एडवाइस में भी, जब तक मैं मेडिकल एडवाइस नहीं ले लेता मेरे को आइसोलेशन रूम में बैठाया जाए और खाली बैठ करके मैं वहां पर रेस्ट नहीं करूंगा, मैं एग्जाम्स अगर देना चाहूं मैं दूंगा. ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर, हालांकि यहां पर ये ऑप्शनल रखा गया ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर, कि अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहे हैं तो
को सैनिटाइज किया जाए। इफ एनी ट्रांसपोर्टेशन इज अरेंज बाई, इफ यदि अगर आप अरेंज करते हैं तो सैनिटाइजेशन किया जाए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने बोला यार इतना झमेला कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट अरेंज ही नहीं करते हैं। अब ये देखिए, ट्रेनें चलाई गई थी, जिन लोग बोलते हैं ना नीट का एग्जाम हुआ ये हुआ, तो उन लोग के लिए स्पेशल ट्रेन रन किए गए थे। अब ये वाला पॉइंट भाई मिस्ड आउट हो रखा जो मैंने अभी भी आपको बताया, इन रेगुलर कोर्स सिम्टोमेटिक कैंडिडेट शुड बी रेफर्ड टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर। लेकिन ऐसा नहीं है उसको जबरदस्ती उठा करके ही, बुखार है चलो उठा करके ले जाएंगे, रुको भाई, गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक द एग्जामिनेशन थ्रू अदर मीन्स और एग्जामिनेशन एट लेटर डेट, जो मैंने आपको बताया। कब लेटर डेट? जब वो स्टूडेंट फिजिकली फिट डिक्लेयर हो जाए। हाउएवर जबरदस्ती नहीं कर सकते, इफ अ स्टूडेंट इज फाउंड टू बी सिम्टोमेटिक एंड इंसिस्ट ऑन गिविंग द एग्जाम, भाई पैशन है तभी तो एग्जाम देने आए इस पेंडेमिक में, नहीं तो मैं तो ऑप्ट आउट कर ही लेता। मैंने ऑप्ट आउट नहीं किया, मैं पैशनेट था इसलिए एग्जाम देने आया, मेरे को सिम्टम हो गया लेकिन फिर भी मैं डटा हुआ हूं, तब भाई इफ ही इज फाउंड टू बी सिम्टोमेटिक एंड ही इंसिस्ट ऑन गिविंग द एग्जामिनेशन, ही मे बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन बाय शिफ्टिंग द कैंडिडेट टू सेपरेट आइसोलेशन रूम, परमिशन जो है सच केसेस शैल बी ग्रांटेड, जो पॉलिसी बताया गया उसके हिसाब से परमिशन शैल बी ग्रांटेड। एक और यहां पर जो गवर्नमेंट ने एसओपीज इशू किया था एग्जाम्स का, उसमें लिखा हुआ है बैग मोबाइल अलाउ नहीं होगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, बुक्स भी अलाउ नहीं होंगे, तो आप ओपन बुक एग्जाम्स कैसे लेंगे? इसलिए तो मैंने कब से आप लोग को रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम ओपन बुक को तो ऑनलाइन कर दीजिए, बेयर मिनिमम, ऐसे तो सारा ही ऑनलाइन हो जाना चाहिए था। और सीएमएनसी रूट ने काबिले तारीफ काम किया ही है ऑनलाइन करके, लेकिन यहां पर ये देखो अब बुक्स भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो ओपन बुक एग्जाम्स कैसे होंगे अगर बुक्स भी अलाउड नहीं है? तो बहुत सारे ओपन बुक पेपर्स भी होते हैं फाइनल लेवल पर, वो कैसे होंगे? एसओपी टू बी फॉलोड इन केस ऑफ अ सस्पेक्ट पर्सन, या जिसको सिम्टम हो जाए एग्जाम्स के दौरान, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? क्या मार के भगा देंगे? आंसर इज नहीं, उसको आइसोलेशन रूम में रखेंगे, एग्जाम देने का उसको अपॉर्चुनिटी अदर मीन से या फिर एट अ लेटर डेट पर कंपल्सरीली मैंडेटरी देना पड़ेगा। सिम्टम्स अगर वर्स्ट हो जाए तो उसको मेडिकल हेल्प नियरेस्ट हॉस्पिटल क्लिनिक में इलाज कराना पड़ेगा उसका। और ये जो एसओपी है ना, इट प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम प्रिकॉशन टू बी फॉलोड, बेयर मिनिमम, ये राइट है, ये हक है सारे स्टूडेंट्स का, ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहे तो एडिशनल मेजर भी ला सकते हैं, मतलब ये जो है ये तो भाई मिनिमम है, बेयर मिनिमम, ये तो करना ही पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप चाहें तो कुछ एडिशनल, यहां बच्चे एडिशनल तो मांग ही नहीं रहे हैं, खाली मिनिमम ही मांग रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का हमेशा ये ऑब्जर्वेशन पास्ट में भी रहा है कि जो ऑप्ट आउट स्कीम रहे वो एग्जाम के लास्ट डेट तक रहे। तो सारे इंस्टीट्यूट भी इस बात को प्लीज नोट कर लें कि ऑप्ट आउट स्कीम लास्ट डेट तक रहे। और हम लोग हमेशा बच्चों को यही बताते हैं कि इंस्टीट्यूट मंदिर है, मंदिर की पूजा करो, ये सब ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो पुजारी हैं उनको भी अपना दायित्व जो है वो समझना पड़ेगा। ये सब बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इसको प्लीज 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 सब लोग नोट करें, और ये हमारा हक है, ये मिलना चाहिए। थैंक यू। और एज आई हैव सेड, अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिवली सब चीजों को लेना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए, तभी हमारा जो आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है री इंस्टोर हो सकेगा। थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव स्टूडेंट्स, यू नो प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि ये सब राइट जो है ये सब पता चल सके। ओके okay?